बताना चाहती हूँ, 2010 के युग में भी आज औरतों और पुरुषों के बीच में असमानता का दौर जारी है। आज भी असल जिंदगी में औरतों को पुरुषों से कम ही लेखा जाता है और इसी कारण उन्हें कम वेतन दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है मेरे वाले गांव की खेतों में काम करने वाली घरेलू महिलाएं। तुम्ही किती दिवसापासून ही काम करताय? मी आता 13-14 वर्ष झाले। मला 2 मुले आहेत। माझी आर्थिक परिस्थिती खूप नाजूक आहे। आम्हाला घर नाही, कुठे जागा नाही, जमीन नाही, आणि आम्हाला म्हणजे हा मोल मजुरी हा आमचा व्यवसायच आहे। रोज लोकांच्या शेतात काम करायचं, 50-60 रुपये मजुरी कमवायची आणि संध्याकाळी ते घर खर्चासाठी वापरायचे पैसे। आणि माझे मिस्टर कुठं नोकरीला नाही आहेत। शासन कहता है स्त्री पुरुष समानता है, क्या ये समानता सिर्फ कागज पर ही रहेगी या कभी ग्रामीण भाग के खेती में काम करने वाली औरतों तक पहुंचेगी? वैसे देखा जाए तो आदमी से ज़्यादा औरतों को ही काम होता है। उसे घर का सब काम निपटा कर बच्चों को देखकर काम करना पड़ता है, फिर भी समाज ने उसे कम ही दर्जा दिया है। खेती में काम करने वाले महिला और पुरुष के काम में थोड़ा बहुत फर्क होता है, मगर पुरुषों के तुलने में महिलाओं को बहुत कम पैसा मिलता है। तुम्ही दिवस भर कहीच काम करता का? दिवस भर आम्ही कांदे लावतो, कधी खुरपण करतो। किती वाजता येतो सकाळी? 10 वाजता। आणि घरी किती वाजता जाता? 6 वाजता। किती पैसे मिळतात तुम्हाला ह्या कामाचे? आम्हाला ह्यात 50-60 रुपये भेटतात। आणि जे पुरुष पण दिवसभर काम करतो त्या पुरुषांना किती पैसे मिळतात? त्यांना मिळतात 100-125 रुपये। तीच काम असतं का पुरुषांना पण तुम्ही जे करता ते? नाही, पुरुषांचे ऊसाची लागण, बागाची खाणणी, सरी तोडायची। तुम्ही पुरुष इतकं काम करू शकता का? सगळा किराणापासून धान्य आणायचं, बाजार करायचा, स्वयंपाक करायचं, काम करायचं सगळं मी एकटीच करते ना, त्यापेक्षा पुरुषांच्या दीडपट माझं रोजच काम होऊ शकतंय। आणि शेतातलं पण काम जर तुम्हाला पुरुषांसारखं सांगितलं तर तुम्ही करताल का? हो, करू शकू, पण पुरुषांच्या एवढा आम्हाला रोज दिला पाहिजे। महिलाओं के साथ ये जो भेदभाव है वो रुकना चाहिए। जितनी आमदनी पुरुषों को मिलती है उतनी आमदनी महिलाओं को मिलनी चाहिए। जितना घर संभालने का मान पुरुषों को मिलता है उतना ही औरत को मिलना ही चाहिए, तभी महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो सकती है। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वाल्ले गांव से, इंडिया अनहड़ के लिए।